एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्नेक लवर पे। दोस्तों, स्नेक रेस्क्यू के लिए आज हम बड़ी दरियापुर आ गए हैं और ये थाना के आदर्श थाना के पीछे एक गली है और अभिनव कुमार जी का घर है। इनके यहाँ हमने एक बार पहले भी 3 बजे सुबह में एक बड़े कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया था। तो जैसा कि ये बता रहे हैं हमें कि एक स्नेक देखा गया, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो चूहा खा रहा था तो इन लोगों ने उसे बाल्टी से ढक दिया। तो बने रहिए वीडियो में, चल कर देखते हैं कौन सा स्नेक है। आइए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है कह रहे हैं कि इस बाल्टी के अंदर स्नेक है। तो हम देखते हैं कौन सा स्नेक है। दोस्तों, कोई भी स्नेक हो खतरनाक होता है जब तक आपको उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, उसके नजदीक मत जाइए। अगर जहरीला होगा तो बाइट हो सकता है और सिचुएशन गंभीर हो सकती है। तो बने रहिए, देखते हैं कौन सा स्नेक है। और घुस गया, घुस गया। अरे ये तो अंदर चला गया। अरे तो फ्रेंड्स, ये हमें एक उल्फ स्नेक दिखा। ये सैकड़ा सांप कहते हैं इसको, और ये नॉन वेनमस होता है। ये अंदर चला गया और जाकर छिप गया है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमें स्नेक दिख रहा है और बस इसी ईट के पीछे वो छिपा हुआ है। तो हम इसे सावधानी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सांप किस तरह से डर के यहाँ छिपा हुआ है। तो ये नीचे वाला है ना? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं सेट हो गया है ना। अब हम लोग इसके नजदीक पहुंच गए और हम लोग कोशिश करेंगे बहुत सावधानी से निकालने की, क्योंकि अगर हम लोग जोर लगाएंगे तो सांप को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये नॉन वेनमस उल्फ स्नेक है और अभी अभी फ्रेंड्स इसने खाना खाया है, एक चूहे का शिकार किया इसने, इसके कारण। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो है एक नॉन वेनमस स्नेक होता है और अक्सर घरों में ही रहता है आसपास, जैसे कि आप देख सकते हैं दीवार दरवाजे के किनारे, बैठ कर लो नजदीक से, दरारों में अक्सर छिप जाता है और खाना खाने के बाद यह कुछ दिनों तक उसे पचाता है। चलिए इसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चूक हुई हमसे और सांप जो है यहाँ अंदर चला गया और काफी हमें यहाँ तोड़ना पड़ा और उसके बाद जाकर हमें यह सांप मिला। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारा स्नेक रेस्क्यू पसंद आएगा। तो आप भी हमारे साथ सांप बचाने की मुहिम में हमारा सहयोग करिए और सांपों को मरने से बचाइए, क्योंकि यह जो है चूहा खाया था और इस तरह से घर की सफाई कर रहा है। यह नॉन वेनमस होता है इसलिए इससे कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन लोग अक्सर सांप के नाम से ही डर जाते हैं। कोई सा भी सांप हो लोगों को जहरीला लगता है और वो उसे देखते ही मारना चाहते हैं। तो सांपों को मारिए मत। मिलते हैं अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।